हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम कर रहे थे रीजनिंग का सीरीज टेस्ट वाला टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नंबर सीरीज कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। लेकिन अगर आपको उससे पहले अल्फाबेट्स का नंबर निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप पहले उसे सीखें। उसके लिए आप मेरा कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने आपको अल्फाबेट्स का नंबर निकालना बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। फिर भी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि अल्फाबेट का नंबर कैसे निकालते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है कि सीरीज दे रखी है ए डी जी जे और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चिन्ह दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शन भी दे रखा है। ए ऑप्शन में है एम, बी में एन, सी में ओ और डी में दे रखा है पी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में मैं ये देखना है सबसे पहले कि जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनकी नंबरिंग क्या है ना। नंबरिंग आना चाहिए। ए को क्या कहते हैं, एक, और डी को चार, जी सेवन होता है और जे क्या होता है, टेन होता है। तो देखो एक से चार गया यानी कितना प्लस हो गया, प्लस का तीन। चार से सात बना यानी प्लस तीन, सात से दस बन गया यानी प्लस तीन। देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये प्लस तीन के रूप में चल रहा है ना, यानी प्लस तीन सब में ऐड हो रहा है। तो अगला जो नंबर होगा वहाँ पर भी प्लस तीन जुड़ जाएगा, यानी दस में तीन जुड़ेगा कितना बनेगा, तेरह। और तेरहवें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, तेरहवें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, वो आता है एम, है ना। यानी यहाँ पर अगला जो अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, एम। और अपना ऑप्शन दे रखा है ए जो है अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर पहले ए फिर डी दे रखा है फिर एच अगला एम दे रखा है फिर यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह है और नेक्स्ट दे रखा है जेड। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर ए में बी है, बी में जी, सी के अंदर दे रखा है एस और डी में दे रखा है एन। ठीक है, तो देखो करना कुछ भी नहीं है, जो भी अल्फाबेट है इनकी नंबरिंग हमें पता होना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग हमें आना चाहिए। ए यानी एक होता है, डी का चार, एच का आठ हो जाएगा, एम का तेरह होगा और जेड का होता है छब्बीस। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद में इनमें देखना है कि गैप क्या चल रहा है, कितने कितने का गैप। देखो एक से चार बना यानी प्लस का तीन हो गया, चार से आठ बना, चार से आठ यानी कितना हुआ, चार में कितना जुड़ेगा, चार जुड़ेंगे तो आठ बन जाएंगे। अब आठ में इतना क्या जोड़ दे अपन ताकि तेरह बनेगा, तो ये अपन को पांच जोड़ना पड़ेगा ना, आठ और पांच कितना हो गया तेरह। इसी प्रकार से यहाँ पर जो नंबर मिलेगा, पहले तीन जोड़ा फिर चार फिर पांच, इस बार छह जोड़ेंगे यानी तेरह और छह कितना हो गया उन्नीस। अब उन्नीस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है वो हमें बताना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये जब अगला अल्फाबेट निकालेंगे यहाँ पर छह के बाद में सात जुड़ना चाहिए, है ना। उन्नीस और सात कितना हो गया छब्बीस, तो करेक्ट है ये। ठीक है, यानी यहाँ पर उन्नीसवें नंबर पर जो भी अल्फाबेट होगा वही अपना आंसर होगा। बी क्या होता है दो, ये जी होता है सेवन, ए होता है फोर्टी और एस जो है ये कितना होगा उन्नीस, यानी अगला जो अल्फाबेट होगा अपना वो हो जाएगा एस। ठीक है, क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन दे रखा है ए डी उसके बाद में बी ई फिर दे रखा है डी जी फिर जी और जे फिर यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह दे रखा है और ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है जे एन, बी में दे रखा है के एन, सी जो है अपना ऑप्शन जे एल और डी जो ऑप्शन होगा दे रखा है वो है जे क्यू। इनमें से ही कोई एक होगा, पहले अल्फाबेट एक एक नंबर का था, यहाँ पर अल्फाबेट में देखो दो दो अल्फाबेट दे रखे हैं यानी यहाँ पर डबल सीरीज चल रही है ना। अब देखो ए से बन गया बी, बी से बन गया डी और डी से बना जी, यानी यहाँ पर देखो प्लस एक हुआ है। नंबरिंग देख लो पहले, ये एक, ये चार, ये दो, ये पाँच, ये चार, ये सात हो गया, ये सात और ये दस बन गया। ठीक है, यानी एक से देखो यहाँ पे देखो एक से दो बन गया यानी प्लस एक हुआ, दो से चार बना यानी प्लस के दो हो गए, चार से सात बना यानी प्लस का तीन हो गया।
ये पहली सीरीज है। तो अगला क्या बनेगा, जब ये वाला अगला लेंगे तो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन तो प्लस चार बनेगा, यानी सात में चार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ग्यारह। और ग्यारह नंबर पे क्या आता है, के आता है, यानी पहला ऑप्शन जो है अपना आगे वाला जो अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, के। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में दे रखा है केवल के इसी जगह पर है, यानी यही अपना राइट आंसर है। चलो पीछे एन देखा, देखते हैं आता है कि नहीं आता। देखो चार से पाँच प्लस एक हुआ, फिर प्लस दो गया, फिर प्लस तीन, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का चार हो जाएगा, प्लस का चार, यानी दस में चार जोड़ेंगे क्या होगा चौदह। और चौदह नंबर जो है ये क्या होता है, ये एन ही होता है, है ना। यानी अपना जो ऑप्शन है बी जो ये राइट आंसर हो जाएगा, के एन जो है ये अगले पद जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इस बार क्वेश्चन दे रखा है एच जेड दे रखा है पहले, फिर इसके बाद में सी एक्स, फिर दे रखा है ई वी, उसके बाद में जी टी, और अगला जो है ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे रखा है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है एच एस, ये ए में है, बी सी और डी। एच एस हो गया, इसके बाद आई आर दे रखा है, अगला जे क्यू दे रखा है, फिर के पी दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है जो सीरीज दे रखी है, तो अगला नंबर या अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो दे रखे हैं ना, ये ऑपोजिट अल्फ़ाबेट दे रखे हैं एक दूसरे के, यानी ए का ऑपोजिट जेड होता है, ये मैंने आपको बताया था पहले, ए से लेकर एम तक अल्फ़ाबेट लिखे थे, फिर उल्टा लिखा था हमने यहाँ पे एन से लेकर जेड तक, यानी ए का कॉम्बिनेशन जेड के साथ था, यानी ए टू जेड बनाया था, बी का बनाया था वाई के साथ यानी बॉय बना था, सी का बना था किसके साथ, एक्स के साथ, तो सिक्स बन गया था ये, है ना। इसी प्रकार ए से जेड बना, सी से सिक्स बन गया, ये इवनिंग बना था, ये जी टी रोड बन गया था। अब यहाँ पर तो ये भी ऑप्शन मिल रहे हैं, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा और काला पानी, लेकिन इनमें आएगा कौन सा। देखो इसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगा, ये एक, ये तीन, ये पाँच, ये सात, तो क्या हुआ प्लस का दो, प्लस दो, यहाँ भी प्लस दो, तो नेक्स्ट वाला प्लस दो ही होगा, यानी सात और दो कितने हो गए नौ, यानी नौ नंबर पे क्या आता है, नौ पे आई नौ तो आया जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं, जेड से एक्स गया यानी माइनस का दो, एक्स से वी गया ये भी माइनस का दो, वी से टी गया माइनस का दो, तो यहाँ पर भी माइनस का दो करना होगा, है ना। तो टी जो है ये किस पे आता है, टी का होता है ट्वेंटी, दो कम किया तो कितना हो गया अट्ठारह। अब अट्ठारह किसका है नंबर है, ये है आर का, यानी यहाँ पर आ जाएगा आर, यानी इंडियन रेलवे बना था ना, इसका कॉम्बिनेशन इसकी तरह बन रहा है, तो आई आर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसमें दे रखा है ए जी एम, इसके बाद में बी एच एन, फिर दे रखा है सी आई ओ, और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन वाचक चिन्ह, और ऑप्शन दे रखे हैं सी ओ यू, बी दे रखा है एफ क्यू के, सी दे रखा है डी जे पी, और डी ऑप्शन दे रखा है क्यू एक्स डी, ठीक है। तो तरीका वही है भाइयों, यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। हमने पहले एक एक जो अल्फाबेट वाली सीरीज ली थी, उसके बाद में दो अल्फाबेट वाली आई थी, इस बार तीन अल्फाबेट की है, चार अल्फाबेट की भी सीरीज आएगी, ठीक है। यानी सभी तरह के क्वेश्चन जो जो भी यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज के अंदर आते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो तरीका तो वही है, सबका तरीका एक ही है, यहाँ पर नंबरिंग कर लो पहले, ये एक हो गया, ये सात हो गया, ये एम कितना होता है थर्टी, बी दो होता है, एच होता है आठ, और एन होता है चौदह, सी तीन होता है, आई नौ होता है, और ओ कितना होता है पंद्रह। यानी देखो क्या हुआ, एक से बन गया दो, दो से तीन, तो तीन से क्या बनेगा चार बनेगा, पक्का है, ठीक है। इसके बाद में सात से देखो, यहाँ पे सात से क्या बन गया आठ, आठ से क्या बन गया नौ, तो नौ से क्या बनेगा दस बनेगा, ठीक है। इसके बाद तेरह दे रखा है, तेरह से क्या बना चौदह, चौदह से क्या बन गया पंद्रह, तो पंद्रह से क्या बनेगा सोलह। अब इसके अगर आपको अल्फाबेट पता है तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। नंबर चार पे आता है डी, जे पे आता है टेन पता है जेब, और सोलह किसका है ये पी का, यानी डी जे पी अगर ऑप्शन में दे रखा है तो ये अपना राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है डी जे पी, ठीक है। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, यहाँ पर इनके क्रम पता होना चाहिए कि किस क्रम में प्लस हो रहे हैं। देखो यहाँ पर सारी सीरीज के अंदर प्लस वन
और प्लस हम हो रहे हैं सभी में, ठीक है, वही कम ने किया। टाइप का एक और क्वेश्चन दे रखा है, तीन अल्फाबेट का यानी तीन सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन दे रखा है के डी डब्ल्यू, इसके बाद में एम जी टी, फिर दे रखा है ओ जे क्यू, तो हमें बताना है अगला यहाँ पर जो है कौन सा होगा, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है एम एन क्यू, बी ऑप्शन दे रखा है क्यू एन एम, सी दे रखा है एन एम क्यू, और डी ऑप्शन दे रखा है क्यू एम एन। तो ठीक है, देखते हैं किस तरह से या कौन सा सीक्वेंस किस तरह से यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है। के से एम फिर ओ बन गया, लेकिन क्रमांक हमें पता होना चाहिए, क्या के जो है का नंबर कितना होता है 11, चलो नीचे लिख रहा हूँ मैं, के का नंबर होता है 11, डी होता है 4, डब्ल्यू कितना होता है 23, एम होता है 13, जी 7 होता है, टी 20 होता है ना, ओ से होता है 15, जे से 10, और क्यू क्यू कितना होता है 17। तो देखते हैं प्लस है या माइनस है। देखो 11 से क्या हुआ 13 बन गया, यानी प्लस का 2 हो गया, 13 से क्या हुआ 15 यानी प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ प्लस 2 ही बनेगा, प्लस 2 तो प्लस 2 यानी 15 से कितना बनेगा 17। पहले नंबर निकालेंगे उसके बाद में अल्फाबेट, चलो पहली सीरीज हो गई, दूसरी 4 से बना 7, 4 7 कित 4 में कितना जोड़ा 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे 10 होते कितना हो गया 13। अगला देखो 23 से बना 20, यहाँ पर जो भी माइनस हो रहा है 23 से 20 गया यानी माइनस का 3, 20 से फिर 17 यानी माइनस का 3, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 कम कर देंगे यानी 17 जो है 17 में 3 कम किया तो कितना हो गया 14। अब इनके अल्फाबेट देख लो, 17 किसका अल्फाबेट किसका है क्यू का, 13 किसका है एम, और एन किसका है 14 किसका है एन का, 17 किसका नंबर है क्यू का, 13 किसका है एम का, और 14 किसका है एन का, यानी क्यू एम एन ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में दे रखा है क्यू एम एन एन, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, और इस बार जो है यहाँ पर दे रखा है 4 4 सीरीज वाला क्वेश्चन दे रखा है ना, और क्वेश्चन इस तरह से है एन ओ ए बी, फिर दे रखा है ओ पी बी सी पी क्यू सी डी, और हमें ये अगला इसका सीरीज बताना है, ठीक है, और ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर क्यू आर डी ई आर टी ई एफ क्यू एस डी ई और ओ आर जी आई। देख करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग हमें पता होना चाहिए। अब देखो नंबरिंग एम जो एन है इस एन का नंबरिंग होता है 40, ओ का 15, ए होता है 1, ये 2, ये 15, 16, 2, 3, पी का जो होगा ये 60, ये 70, ये 3 और 4, ठीक है, नंबरिंग हमने कर लिया है। अब करनी इनकी तुलना करनी है एक दूसरे से, ठीक है, तो देखो ये एन से बना ओ यानी क्या हुआ प्लस का 1 हो गया, ओ से बन गया पी यानी 15 से 16 बन गया यानी ये भी प्लस है, तो अगला जो नंबर होगा यहाँ पर भी क्या होगा प्लस एक हो जाएगा यानी 16 में एक जुड़ेंगे कितना बनेगा 17, ठीक है। अगला देखो 14 से बन गया 16 यानी प्लस एक, 16 से 17 गया यानी ये भी प्लस एक हो गया, तो 17 में फिर एक जुड़ जाएगा प्लस एक जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 18। इसी प्रकार ऐसे देखो ऐसे बना बी यानी प्लस का एक हो गया, एक और दो, फिर दो से बन गया 3 यानी यहाँ पर भी क्या हुआ प्लस एक होगा, तो ये जो अगला नंबर होगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस एक यानी 1 2 3 और अगला क्या हो जाएगा नंबर 4 बन जाएगा। इसी प्रकार दो से देखो दो से बन गया यहाँ पर सी, दो बी से सी बन गया यानी प्लस का एक हुआ, सी से बना डी ये भी प्लस एक हो गया, तो डी से बनेगा यहाँ पर भी प्लस एक हो जाएगा है ना प्लस का एक, यानी डी के बाद में क्या आता है ई आता है, ये 5 नंबर पर है। अब देखो 17 जो है ये किसका नंबर है क्यू का, 18 किसका है आर का, डी 4 किसका है डी का, और 5 है
मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा और ये ई बन जाएगा, यानी क्यू आर डी ई। ये अपने ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्यू आर डी ई, यानी ये अपना राइट। एक और क्वेश्चन है जो चार सीरीज का है, यहाँ पर ये दे रखा है ए, ए के बाद में वाई, बी, जेड, सी, सॉरी ये चार नहीं, ये पांच सीरीज का है ना, तो इसके बाद दे रखा है डी डब्ल्यू ई एक्स एफ, फिर दे रखा है जी यू एच वी आई, फिर दे रखा है जे एस के टी एल, और हमें इसके बाद का अगला बताना है कि वो क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है एम क्यू ओ आर एन, फिर दे रखा है क्यू एम ओ एन आर, फिर एम क्यू एन आर ओ, फिर एन क्यू एम ओ आर, ये ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, ठीक है। पांच पांच सीरीज में दे रखी है। सबसे पहले नंबरिंग करना है, नंबरिंग हमें पता होना चाहिए। ए का एक बनेगा, वाई बनेगा 25, बी का होता है 2, जेड का जाएगा 26 और सी कितना होता है 3, डी होता है 4, डब्ल्यू हो जाएगा 23, ई हो जाएगा 5, एक्स हो जाएगा 24 और एफ होता है 6। इसके बाद जी 7 होता है, यू होता है 21, एच होता है 8, वी कितना होता है 22 और आई 9, जे 10 हो जाएगा, इस बाद में ये हो जाएगा 19, के हो जाएगा 11, टी 20 और एल जो है ये हो जाएगा 12, ठीक है। लोइंग देखते ही 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सब नंबरिंग हमने कर लिया है, अब इनकी करनी है तुलना। देखो एक एक के बाद में, अब यहां पर देखो इनकी खुद में तुलना करनी है। ये ऐसी सीरीज है कि यहां पर खुद की तुलना करनी, क्योंकि एक से चार बन रहा है, चार से सात बन रहा है, सात दस दो, चलो ये भी चल जाएगा, इस तरह के भी कर सकते हैं। एक से चार प्लस का 3, चार से बन गया 7 यानी प्लस का 3, सात से बन गया 10 या भी प्लस का 3, तो अगला जो बनेगा यहाँ पर प्लस 3 बन जाएगा, है ना। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, यानी 13 नंबर बन जाएगा। आगे चलते हैं, 23 से बन गया 25 यानी माइनस का 2 कम हो गया, 23 से फिर 21 यानी माइनस 2 और 21 से 19 यानी माइनस का 2, तो फिर 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा 17, 19 में 2 कम किए तो ये बन जाएगा 17। इसके बाद में 2 से बना 5 यानी प्लस का 3, 5 से बन गया, 5 से बन रहा है 8 यानी प्लस का 3 और 8 से बन गया 11 ये भी प्लस का 3, तो 11 में 3 जोड़ देंगे तो 11 तुम कितना हो गया 14। आगे देखते हैं, फिर जेड से हो रहा है यहाँ पर कितना 26 यानी माइनस का 2, सॉरी जेड 26 है और ये बन रहा है 24, एक्स बन रहा है यानी 24 बन गया, फिर एक्स से बन गया ये वी यानी 24 में फिर 2 कम हो गए माइनस का 2 और वी से यहाँ पर भी क्या हो गया माइनस 2 हो गया, 22 से 20 बन गया, तो 20 में फिर 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 18। इसी प्रकार इसका लेते हैं सी, सी से बना है एफ यानी 3 से कितना हो गया 6 यानी 3 से 6 यानी प्लस का 3, फिर 9 हो रहा है प्लस का 3, फिर क्या हो रहा है 12 यानी यहाँ पर भी प्लस का 3, तो अगला क्या हो जाएगा प्लस 3 यानी 12 में 3 जोड़े तो कितना हो गया ये 15 यानी 13 17 14 18 15, इनके नंबर कितने हो गए, 13 किसका है एम का, 17 जो है ये क्यू का है, 14 किसका है एन का, 18 आर और 15 ओ का, यानी एम क्यू एन आर ओ, क्या पहले ऑप्शन में दे रखा है एम क्यू एन आर ओ, ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना राइट आंसर है। इसको करने का एक और तरीका है, तरीका ये कि देखो एक एक के बाद में 2 फिर 3 यानी एक छोड़ के एक बढ़ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो यहाँ पर ख़त्म किस पर रहा है 1 2 3, फिर खत्म होता है 4 शुरू हुआ है, 4 5 6 6 पर तो 7 शुरू हुआ है, 7 8 9 तो 10 से शुरू हुआ है, 10 11 12 तो किसे 13 शुरू होगा, यानी पहला जो अपना अक्षर बनेगा वो 13, फिर एक छोड़ेंगे तो 14, फिर एक छोड़ेंगे तो 15, यानी ये तीन अक्षर तो ये हो गए अपने। अब बीच के कौन कौन से बच गए, ये 2 बचे है ना, ये अपने क्रम से निकाल लिए, अब ये देखो ये कैसे बनेगा 25 26 23 24
24 है ना, ये 25 से एक बढ़ गया, 23 24 हो गया, 21 22 हो गया, 19 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर दो कम की तो 17 बनेगा, तो 17 और 17 और 1 18 बन जाएगा, यानी 17 यहाँ बनेगा, ये बन जाएगा 18। इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल के ला सकते हैं। क्वेश्चन है और इस बार क्वेश्चन में दे रखा है के एम 8, इसके बाद में आई पी के एम 5 पे, और ये आई पी 8 दे रखा है, इसके बाद जी एस 11, उसके बाद में ई वी और 14 दे रखा है। ठीक है, तो अगला हमें बताना है कि वो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बी एक्स 70, बी वाई 70, सी वाई 70 और सी वाई 80। ठीक है, इनमें से ही कोई अपना ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलो करते हैं, देखो सबसे पहले नंबरिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ 5 से क्या हो रहा है, 8 बन रहा है यानी प्लस का 3 हो गया, 8 से बन रहा है 11 फिर प्लस का 3 हो गया, 11 से 14 बन रहा है यानी प्लस का 3। तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, जो भी नंबर होगा यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ऐड हो जाएगा, यानी 14 3 कितना हो गया 17, यानी 17वां नंबर आएगा यहाँ पे, 17 इसमें 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 है, इसमें है नहीं तो ये वाला तो कैंसिल। ठीक है, आगे चलते हैं, के का नंबर कितना होता है 11, एम होता है 13, आई का 9, पी कितना होता है, पी होता है 16, जी 7 और एस कितना होता है 19, ई होता है 5, वी होता है 22। तो देखो 11 से 9 तो कितना कम हो गया, माइनस का 2, 9 से 7 माइनस 2, 7 से 5 माइनस 2, तो अगला क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी 5 में 2 कम किए तो 3। अब 3 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, ए बी और सी। ठीक है, तो देखो सी इसमें नहीं है, ये वाला कैंसिल, इसमें भी नहीं है, बचा कौन सा, ये वाला अपना राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे और देख लेते हैं, 13 से बन गया 16 तो कितना हुआ, प्लस का 3, 16 से बन रहा है 19 प्लस 3, 19 से बन रहा है 22 प्लस का 3, और 22 में 3 ऐड करेंगे तो कितना क्या 25, और 25 नंबर पे क्या आता है, 25 नंबर होता है वाई, यानी ऑप्शन सी जो है ये अपना राइट आंसर है। और इस बार क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है डब्लू, डब्लू के बाद में रखा है 144, फिर उसके बाद में क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे रखा है, और दे रखा है एस, एस पे दे रखा है 100, और क्यू दे रखा है 181, और ओ दे रखा है 64। तो हमें इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह बताना है कि क्या होगा ना, ऑप्शन में दे रखा है U21, U122, V121 और V122। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर पता तो चल रहा है कि ये 12 का स्क्वायर है, 10 का है, यहाँ पर जो है ये 9 का स्क्वायर है, और ये किसका है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 8, 9, 10 तो ये 11 होगा, यानी 1 to 1 जो है ये तो अपन को पता चल गया कि नंबरिंग तो 1 to 1 आएगा, यानी इसके अंदर से ये अब ये तो कैंसिल है ना, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट का पता होना चाहिए। अब देखो अल्फाबेट कितना है यहाँ पर, डब्लू किसका है 23, इसका क्रमांक कितना है 19, क्यू का क्रमांक कितना है 17, और ओ कितना है 15। तो देखो 15 से बन गया 17, 15 प्लस 2 हो गया, 17 से 19 यानी प्लस 2, तो 19 से यहाँ पर जो ये जो अल्फाबेट बनेगा ये वाला, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 19 और 2 कितने हो गए, 19 और 2 21 हो गए, तो यहाँ पर ये 21वां हो जाएगा। अब 21वां अल्फाबेट कौन सा होता है, देखो 21 की बात में प्लस 2 करेंगे 23वां अल्फाबेट आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, तो 21वां जो अल्फाबेट है ये है यू, यू होता है ना, यू हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा U21, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, देखो ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर, तो 121 हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद में यहाँ पे देखा क्यू ओ क्यू एस, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो तो 15 से 17 फिर 19, तो 21वां नंबर कौन सा है, यू का, यू यानी यंग होता है ना, तो यू यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका एक और तरीका है, देखो क्या है कि W जो है कितना है 23 है, तो 23 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 24, और 24 का आधा किया तो कितना हो गया 12, यानी ये 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, S का जो नंबर है कितना है 19 है, तो 19 प्लस 1 करो तो
बटे दो करेंगे तो कितना हो गया 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 का आधा क्या कितना हो गया 10, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ पर देखा 81, तो ये q जो है ये 70 है, 70 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 18 अपॉन 2 तो कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो w का 23 है तो यहाँ पर क्या होगा, तो u बन जाएगा, और u जो है ये 21 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो गया 22, 22 में 2 का भाग दिया तो 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, ठीक है, यानी अपना ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके अंदर लगभग लगभग सभी तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना।